चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे, बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे तो इसमें क्या होगा, स्मॉल ब्लॉक के पौधे रफ इंक्लाइंड पे, इंक्लिनेशन थीटा। अगर एक कोई ब्लॉक है यहाँ से और ये एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ जिसका इंक्लिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी थीटा दिया हुआ, दिस एंगल इज ऑलरेडी थीटा गिवेन, और हियर इज ए ब्लॉक पुट ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ये वाली, और ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जा रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जब टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर लिफ्ट इस लाइन पे होगी, तो यहाँ पर आने पे टाइम टी बीत चुका होगा, टी टाइम बाद। तो कहता है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब लिफ्ट की एक्सलेशन जीरो है, ठीक है, डज नॉट स्लाइड, मतलब अगर लिफ्ट के अंदर से कोई ऑब्जर्वर देखा देखता है तो ब्लॉक रेस्ट में है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, तो वर्क डन पूछा जा रहा है, तो रियल फोर्स इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, और वैसे भी वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन मतलब मैं ग्राउंड से ही निकालूंगा, क्योंकि मैं अगर इसके फ्रेम से देखूंगा, इसके फ्रेम से देखूंगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसके अकॉर्डिंग तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ना भाई, इसके अकॉर्डिंग तो फ्रिक्शन कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करेगा, तो जीरो आएगा वर्क डन बाई दिस ऑब्जर्वर। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन बाई दिस ऑब्जर्वर इज जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वर्क डन पूछा जा रहा है, क्योंकि वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गया। चलो तो इस कौन कौन सा हमें फोर्स लग रहा है, ये सबसे पहले देखो। तो ये वाली जो लाइन है डॉट डॉट वाली, ये वाली लाइन ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, और ये वाली लाइन वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, मतलब लाइन मैं बनाऊंगा दबा के, ये वाली जो लाइन है बच्चों वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है। तो फोर्स देखो कौन किधर लगेगा। सबसे पहले नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल में थोड़ा सा फोर्स को मैं डीप से बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि कौन फोर्स किधर लग रहा है। तो नॉर्मल तो इधर लगेगा, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे लगेगा, और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक ना, वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अलावा इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी वर्टिकली डाउनवर्ड है, मान लो एम जी साइन थीटा की वजह से, तो जो फ्रिक्शन है वो इस लाइन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा। दीज आर द थ्री फोर्सेस। तो ये जो तीन फोर्स है, यही तीनों मिलके इसको क्या किए हैं, ब्लॉक को रेस्ट में रखे हैं। तो अगर यही तीनों मिलके इसको रेस्ट में रखे हैं, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इन सभी के कंपोनेंट करता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा एन कॉस थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एन साइन थीटा, ये वाला, ठीक है। और एम जी, एम जी का अगर कंपोनेंट, फ्रिक्शन का अगर कंपोनेंट देखोगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे कौन किसको बैलेंस किया, तो तुम देखोगे यहाँ नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा वो बैलेंस कर लिए होंगे वेट एम जी को, बिकॉज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज एक्सलेशन वर्टिकल डायरेक्ट मोशन तो है, एक्सलेशन जीरो है, ठीक है ना। इस ऑब्जर्वर को एक्सलेशन जीरो दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एफ कॉस थीटा जो बैलेंस किया होगा, एन साइन थीटा जो है वो बैलेंस किया होगा किसको, एफ कॉस थीटा को, ये वाली चीज़। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से एन की वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन मुझे चाहिए। तो यहाँ से तुम देखोगे एफ कॉस थीटा यहाँ रख के, और प्लस यहाँ से साइन थीटा रख के, और प्लस यहाँ से एफ साइन थीटा पहले से चला आ रहा था, और दैट इज एम जी। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक मिनट, हाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू रखोगे तो फ्रिक्शन और एक कॉस स्क्वायर साइन थीटा, तो एफ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ब्रेकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और डी इज इक्वल टू वे एम जी अपन साइन थीटा इधर आ गया। तो फाइनली जब मैं सॉल्व किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम जी साइन थीटा, और डी वाई एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई।
अब अगर इस ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर वर्क डन मैं निकालूंगा तो तुम देखोगे वर्क डन क्या होगा। तो जो वर्क डन होगा इसके अकॉर्डिंग, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो किस कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी टाइम बाद लगाओगे, ठीक है, टी टाइम बाद, तो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी लिफ्ट की, हाफ एक्सलेशन यहाँ से नहीं, एक्सलेशन जीरो है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस यूज कर देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी तुम देखोगे, नहीं यार ये तो जीरो जाएगा, इसी को यूज करूंगा, लेकिन सेकेंड ही यूज करता हूँ, एस इज इक्वल टू भी टी प्लस एक्सलेशन जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टी टाइम में भी टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ से तुम देखोगे, तो ध्यान रखना अब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, ये तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है एक्चुअल में, तुम्हें फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन का जो वाई कंपोनेंट है वो ले लेता हूँ, और यहाँ से डी कॉस जीरो। फ्रिक्शन का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, देखो वर्टिकल वाला कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये वाली जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाली आ जाएगी, एफ साइन थीटा, ये ऊपर लग रही है, एफ कॉस थीटा कभी भी वर्क नहीं करेगी क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ये 90 डिग्री पर है, और ये एफ कॉस साइन थीटा वर्क कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो एफ साइन थीटा है वो वर्क कर रहा है, तो मैं उसको रखता हूँ, तो यहाँ से एफ साइन थीटा 4 f प्लस डिस्प्लेसमेंट और कॉस 0 1, तो यहाँ से f पहले से निकाल लिए हो एम जी साइन थीटा, और एक साइन थीटा इधर और आ रहा है, और दैट इज डी, मतलब यह आ जाएगा एम जी इज मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डी, दिस इज द टोटल वर्क डन। तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा और डी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एम जी साइन स्क्वायर यहाँ से, एम जी साइन स्क्वायर थीटा, डी की वैल्यू यहाँ से वी टी रख दोगे, तो डी की वैल्यू यहाँ से वी टी रख दोगे, तो कुल मिला के एम जी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा वी टी, तो देखोगे सी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।